तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबुधन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः सविधर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगद्पते गोपीतः गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौराई राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायण सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी बार हाथ में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarvapratham, Mare Guru Pada Padma, Nitalila Pravishnu Vishnu Pada, Ashtodar Sadasri, Sri Sri Madhu Bhakti Sri Rom, Sridhanti Goswami Maharaj Ki Charna Kamalame, अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील गौर गोविंद महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जताजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हमारे श्री क्या नाम प्रभु सचिनंदन सचिनंदन और पत्नी का नाम क्या माधवी दास। आज इन्होंने सब भक्त लोगों को अपना घर में बुलवाए। हर घर में हरि कीर्तन हर घर में भगवान की कथा हो रही है। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलो बहाय। इसका मतलब है जिस दिन घर में भक्त लोग आए घर में भगवान की कथा हो घर में भगवान की कीर्तन हो कह दो घर घर नहीं बोले गृह ते गोलो बहाय मतलब वो घर साक्षात गोलक ये वृंदावन बन गया। अगर घर में कोई पाप हो ना बोले मंगल भवन अमंगल हरि। घर में कोई भी अमंगल हो जिस घर में प्रभु का कीर्तन कथा हो और जो मृदंग बज रहे थे ना जानकर ही मृदंग किया है कि साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु ये मृदंग की आवाज जहां तक पहुंचती है किसी तरह का कोई भूत पिशाच डाकी निसाकी किसी तरह का कोई अमंगल हो कि जहां तक ये मृदंग की आवाज गूंजेगी पहुंचेगी घर का सारे अमंगल घर को भाग जाते हैं सारे घर के अमंगल भाग जाते हैं। इसलिए भागवत में बताए बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलं मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम सक्री दपि परिगीतम श्रद्धया हलयवा त्रिभुवर्णर मात्र तारयत कृष्ण नाम। बोले भगवत नाम में कितने शक्ति यहाँ पर बताते हैं बोले मधुरम मधुरम मेतत के जो भगवान का जो नाम है जगत में जितना मीठा हो सकता है मीठे शरीर परम मीठा भगवान का नाम है। इसलिए कहते मंगलम मंगला नाम जगत में जितने मंगल हो सकता है कहते मंगल शरीर जो परम मंगल है ये भगवान का नाम ठाकुर जी का नाम। बोले जितने वेद पुराण सारे शास्त्रों का अगर मंथन कर तो निचोड़ क्या निकलेगा बोले भगवान का नाम ठाकुर जी का नाम।
बोले सक्रिय दपि परिहित श्रद्धा लेव। अगर भगवान का नाम किसी तरह से श्रद्धा पूर्वक हो, नहीं तो निर्लज भाव में हो, अगर एक बार भगवत नाम अगर निकल गया मुंह से, कहते नरमार करता रहे, जीव मात्र तो ही भगवान का नाम उधार कर लेता है। इसलिए एक समय साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है, कहते भैया भगवत में नाम में इतने महिमा क्यों है। एक समय उन्होंने तीन ट्रे लिया, तीन ट्रे में जो साबुत मूंग दाल होता है तीन ट्रे में रख लिया और उसमें पानी थोड़ी दे दिया। एक जगह में तो बैठे जगह पर रख लिया ट्रे को, एक जगह पर जो हरे कृष्ण महामंत्र होता है ना सिंधी में चल रही, एक जगह पर भगवान का नाम चला लो, और तीसरे जगह पर जो रक म्यूजिक होता है गंदी गंदी म्यूजिक, तीसरा जगह पर उन्होंने ये गंदी गंदी म्यूजिक चला दिया। तीन दिन बाद में देखा जहां पर ये मूंग दाल को बेस रखा था वहां पर थोड़ी बहुत तो अंकुर आया, जहां पर ये भगवान के नाम जो कैसेट में चल रहा था वहां पर दो तीन गुना ज्यादा उसमें अंकुर आया, और जहां पर ये रक म्यूजिक चल रहा था गंदी उल्टा पुल्टा वहां पर अंकुर ही नहीं है, उसमें अंकुर ही नहीं आया, उसमें मतलब उसकी इतने दुष्प्रभाव उस चीज की उल्टा पुल्टा जो कीर्तन बताए ना इसमें इतने दुष्प्रभाव उसके अंदर है। इसलिए हमारे गुरु जी एग्जाम्पल देते थे, जैसे एक पत्थर उठा और पानी में फेंको फिर उसमें क्या होगा बताओ, उसमें लहरी आया है, उसमें लहरी आया, और लहरी आता तो अंतिम छोर को स्पर्श कर फिर दोबारा लहरी आई। फिर उसी तरह भगवान का नाम इतने शक्ति, इतने शक्ति भगवत नाम में, जब भगवान के नाम हम जो कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम जो कीर्तन कर रहे हैं, इसकी आवाज जितने दूर तक गूंज रही है, इसका आवाज जितने सारे पाप हुई ये सब के सब खत्म कर देता है, सारे पाप हुई ये नष्ट कर देती है। इसलिए जो भगवत जो नाम में बड़ा शक्ति है, ये ठाकुर जी के नाम में बड़ा शक्ति है। देखो आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते होंगे सबके सब, देखना एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है, हम एटम बम फेंक देंगे, वो कहता है फिर देश में एटम बम फेंक देंगे, देखो सारा दुनिया में सब लड़ाई झगड़ा हो रही है, सारा दुनिया एक दूसरे को दूसरे को है वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन एक दिन ये युद्ध होगा, विश्व युद्ध छेड़ेगा, लेकिन भगवान कहते हैं कब तक ये विश्व युद्ध नहीं छेड़ेगा, बोले जब तक इस जगत में कोई भगवान के भक्त और भजन करते होंगे तब तक ये युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अगर एटम बम पड़ेगा सबके सब मर जाएंगे। इस बार अगर विश्व युद्ध छेड़ गया ना तो बोले 10-20% मुश्किल में कोई जिंदा रह जाएंगे, नहीं तो सबके सब खत्म हो जाएंगे सबके सब। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है तब तक ये एटम बम नहीं गिरेगी जब तक आप लोग भगवान का नाम लेते रहोगे, भगवान का भजन करते रहोगे, क्योंकि भगवान के भजन से सारी वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी न मैं भक्त प्रणश्यति, कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए अगर हम भगवान की भक्ति भजन करेंगे ना, ये दुनिया को भगवान रक्षा करें बोले नहीं, हाँ ये दुनिया को भगवान रक्षा करेंगे, भजन नहीं करेंगे ना बस फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे धमकी देगा फिर आटा बम गिरा देगा। इसलिए क्या करो, खूब भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, फिर समझो इसलिए ये दुनिया बचा हुआ है ना, किस लिए जानते हो, अभी थोड़ी बहुत लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 99% तो मुझे लगता है लोग भक्ति भक्ति करते नहीं, शायद 1% लोग जगत में भक्ति कर रहे हैं, और भगवान इसलिए दुनिया को बचा करके रखे हैं क्योंकि 1% लोग अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़े उत्साह पूर्वक भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। सब सब एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
जब ये घोर कलयुग में आ गया, चार युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि। अरे युग का नाम क्या है? कलि। कलि मतलब क्या है? केवल लड़ाई झगड़ा, जहाँ पर और कुछ नहीं। जहाँ भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, ऑफिस में लड़ाई है, और मन में भी लड़ाई है, पड़ोस में लड़ाई, जहाँ पर केवल लड़ाई, कलह कलह, इसलिए इसका नाम है ये कलि युग। अब ये कलि युग से डरते हुए सौनका ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास में गए, हे प्रभु ये कलि युग से हम बच्चे कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ कर भजन करो, तुम्हारे ऊपर कलि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लोग बड़े दिनों से वहीं पर बैठ करके भजन साधन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कोई शांति नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, भजन में कोई उत्साह नहीं आ रहा है। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी, बहुत बड़े संत है, एक दिन श्री सुत गोस्वामी आए, इनको देख करके सोनका ऋषियों ने बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज हमारे जीवन धन्य हो गया, क्यों आज एक महान संतों का हमें दर्शन मिला है। कि जीवन में जब किसी संतों का दर्शन सही सही मिल जाए तो क्या समझनी चाहिए, बोले ये समझनी चाहिए हमारे संसार का सारे दुख हमारे समाप्त हो गए, हमको ये संसार में और भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान स्वयं कृष्ण उद्धव उद्धव जी को कहते, बोले उद्धव आचार्य मांग बिजानिया, जब मैं किसी जीवों को पर कृपा करता हूँ कहते मैं स्वयं एक साधु रूप धारण करते हुए उसको पास में मैं आता हूँ। इसलिए सौनका ऋषियों ने बड़े प्रसन्न हुए, उनको आसन दे करके बैठाए हैं, बैठा करके बोले हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र का निचोड़ भाव जानते, मतलब यहाँ शिक्षा देते हैं। अगर कोई सोचे डायरेक्ट हम सारे शास्त्र ग्रंथ को पढ़ करके अपने आप नॉलेज को प्राप्त कर लेंगे, नहीं कर सकते हो। जैसे समुद्र मंथन से बीस में निकला वहां अमृत निकला, अगर डायरेक्ट कोई ग्रंथ को पढ़ोगे ना बगैर साधु के अनुगत में, वहां पर कोई जहर ही जहर निकलेगा, वो अमृत नहीं निकलेगा, वहां अमृत नहीं निकलेगा, वो जहर ही जहर निकलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है चाहो भागवत तो पढ़ो वैष्णव रस्ते, अगर शास्त्र पढ़ना तो किसी साधु की अनुगत में, वैष्णव की अनुगत में शास्त्र पढ़ो, अकेले अपने आप शास्त्र मत पढ़ो, साधु की अनुगत में शास्त्र पढ़नी चाहिए। जैसे इस जगत में जैसे आप लोग कोई डॉक्टर कोई सीए कोई इंजीनियर बन दो, क्या अपने आप पुस्तक लेकर पढ़ रहे हो? अपने आप क्या पुस्तक लेकर पढ़ रहे हो? कोई एक्सपर्ट किसी टीचर के पास में जाता है, इसलिए पुस्तक रहने पर भी तुम्हारे सामने अब कुछ नहीं समझ सकते हो, जब तक किसी एक्सपर्ट किसी टीचर के पास में नहीं जाओ। बोले जब साधारण किसी जगत में कोई एक्सपर्ट कोई टीचर चाहिए तो ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल शब्द लिखा हुआ, तो गुरु जी बहुत बढ़िया एक उदाहरण देते थे, उसमें केवल शब्द है लेकिन टोन नहीं। जैसे गुरुदेव कहते थे, जैसे मैंने प्रकाश प्रभु को कहा आप कहाँ गए थे, इसका मतलब मेरे को पता नहीं कहाँ गए थे, अगर यही शब्द हो आप कहाँ गए थे, लेकिन जब टोन बदल गया ना उसका अर्थ अलग हो गया, मतलब आप जहाँ गए थे वो सही जगह पर थे। अगर मैं बताऊ प्रकाश प्रभु कहाँ गए थे, इसका मतलब जहाँ गए थे ना हमें पता है। देखो वार्ड एक ही है, वार्ड एक ही है लेकिन उसका तीन अर्थ हो गया, और भी बहुत सारी अर्थ होगी लेकिन उसमें तीन अर्थ हो गया। उसी तरह शास्त्र में केवल शब्द है लेकिन उसमें कोई टोन नहीं तो एक गीता का एक सौ टीका कैसे हो गया, शब्द से अलग अलग टीका कैसे लिखे, शब्द तो उसमें एक ही अलग अलग कैसे लिखे। इसलिए यहाँ पर श्री सौनका ऋषि लोग कहते हैं हे सुत गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से ही ये जितने सारे वेद वेदांत उपनिषदों का अध्ययन किया है, ये घोर कलयुग आया है। बोले कलयुग का क्या स्थिति है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मी युगे जना,
मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुप दुर्गा। कभी ये कलिजुग का लक्षण है, बोले कलिजुग का क्या लक्षण है, बोले लक्षण है बोले प्राय अल्पायुष, प्राय करके लोग का जो आयु है कम आयु है। सत्य युग में 1,00,000 साल जिंदा रहते थे, आप सुने होंगे, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 60,000, फिर न कसम 60,000 तपस्या किया, क्यों जिंदा रहते थे 1,00,000 साल तक। जब तृतीय युग आ गई फिर उसमें एक शून्य हटा दो, 1,00,000, एक शून्य हटा दो कितना रह जाएगा, 10,000 रह गया। फिर जब द्वापर युग आ गया उसमें एक शून्य हटा दो कितना रह जाएगा, 1,000 रह जाएगा। बोले कलि युग आ गया था, एक शून्य हटा दो कितना होगा, 100। शास्त्र कहते हैं और कुछ दिन बाद में 100 से और एक शून्य हटा दो कितना होगा, 10। कुछ दिन बाद में 10 साल पर रह जाएगा। धीरे 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 परमा, क्योंकि हर चीज में मिलावट है, हाइब्रिड देकर बनाते हैं, इसलिए पहले प्योर चीज मिलती थी, लोग खाते थे तो उसमें ताकत मिल जाता था, लेकिन अभी हर चीज में मिलावट मिलावट। अब सुने होंगे चाइना में प्लास्टिक का चावल बना रहे हैं, प्लास्टिक का फुलकोई बना रहे हैं, प्लास्टिक की अंडा बना रहे हैं, प्लास्टिक आज कोई दिखा रहे थे प्लास्टिक का बिस्कुट भी बना रहे, उसमें जो जलाया देखा बिस्कुट जल रहा था, मतलब सारी चीज ना सारी चीज में मिलावट मिलावट है। इसलिए धीरे धीरे लोगों का जो परमायु धीरे 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 परमायु घटते जाएगी, बढ़ेगी नहीं, सबके धीरे धीरे घटेगी। इसलिए बोले प्राय अल्पायुष सभ्य कला बस्मिन युगे जना, बोले कलियुग का जीवों का जो मति है बोले मंदा सुमंद मत हो, कलियुग जीव का जो मति है स्वाभाविक रूप में देखना गंदे काम में जाता है। फिर कलयुग में जो इंटरनेट आ गया, मोबाइल स्मार्टफोन, उसमें ही शादी करते हैं इंटरनेट में, उसमें डाइवोर्स कर देते हैं, उसमें ही शादी करके डाइवोर्स कर देते हैं, हैं? इसलिए। और जो स्मार्टफोन आ गया आपको पता होगा, कोई मतलब आपको कोई डाकू गुंडा गिरदी लड़की लड़काबाजी करने के लिए अब कहीं जाने सीखने जाने का कोई जरूरत नहीं, केवल टीवी खोल कर बैठ जाओ स्मार्टफोन में, बस बैठ बैठ कर सारी गंदगी सीख जाओगे, सारे चीज बैठ बैठ कर आप सीख जाओगे, अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब इतने उसमें गंदी चीज गंदी चीज। इसलिए एक तरफ पे साइंस जितने आर्भास कर रहे हैं ना, इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे साइंस बहुत एडवांस हो गया। बोले क्या एडवांस हो गया, पहले पहले डंडे डंडे में मारपीट होता था, अभी एटम बम लेकर मारपीट हो रही है, यही एडवांस किया है। मारपीट गई से डंडे लेकर करते थे किस तरह हाथ पैर में टूट जाएगा, अभी आपको पता होगा हिरासिका नागासिका में जो एटम बम गिरा था, अभी भी वहां पर जिगला कर जन्म हो रहे, पूरा मरुभूमि इसको बना दिया उस स्थान को, और पूरा मरुभूमि बना दिया उस स्थान को। इसलिए कहते कलियुग में बोले मंदा सुमंद मतयो, कलियुग में जीवों को भगवान की भक्ति करने के लिए ना स्नान धो करके ठाकुर को सामने बैठ करके भगवान की भक्ति करना थोड़ी पड़ता, मन को लगाना और गंदी चीज के लिए लगाना पड़ता है, वो मन अपनी आप गंदी चीज में जाता है। आप लोग तो सब भारत के लोग हैं, आप सब जानते हो, आप अपना पिताजी माता जी जीवन देखो घर में क्या कहते हो, अपना घर की बात देख लेना, पहले हर भारत के लोग सवेरे नहा धो करके ठाकुर को सेवा पूजा करना, सालग्राम पूजा करना, ठाकुर जी की आरती उतारना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, आप देखना अपने पिताजी के पिताजी का आप देख लो, पूरा पूरा घर में यही काम करते थे। लेकिन अभी समय मिले टीवी खोल कर बैठ जाओ, सास बहू की लड़ाई कैसे हो रही है और कैसे करते हैं, अभी समय निकले तो जितने गंदी चीज में मन खोल कर बैठ जाओ, पहले तो एक चैनल होता था, अभी सारा दुनिया की चैनल आ गई, सारा दुनिया की चैनल आ गई है। इसलिए पहले पहले भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए घर में शांति सुख बना रहती थी, शांति सुख घर में बना रहती थी, गीता रामायण पढ़ते थे। अब रामायण आप इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, इंडोनेशिया में ही हमारे भारतीय संतों को बुलाते हैं, वो मुसलमान कंट्री है, भारतीय मुरारी बापू का नाम सुने होंगे, ये इनको बुला करके अपना देश में बुलाते हैं। बोले क्यों,
बोले हम रामायण सुनना चाहते, बोले क्यों रामायण सुनना चाहते, इसीलिए हमारी घर की बेटी और बहू सती बनी, क्योंकि रामायण में ये शिक्षा है। आपको पता होगा जब एक धोबिनी वो गई थी अपना ससुर में अपना तीहर में, वो आते समय एक नदी पार उसको करना पड़ता, वो रिमझ में बारिश हो रही थी, शाम हो गई थी, वो केवट में पार नहीं करवाया, फिर नहीं करवा सकता, उसको मजबूरी में एक रात केवट के घर में रुकना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई, उसको पूछा पति ने तुम पिछले रात कहाँ पर थी, बोले ऐसे ऐसे, बोले जहाँ पर बिताया जितने को ही बिता, मैं राम नहीं हूँ, क्योंकि सीता को रावण उठा करके ले गया लंका में, एक साल तक रहा था और उनको लाया तो उन्होंने बराबर आसन दे दिया रावण, लेकिन असली सीता को रावण ने उठाया नहीं, वो नकली सीता थी, वो सीता थी नहीं, लेकिन उसको तो पता नहीं है। इसलिए इंडोनेशिया वाले कहते हैं अगर ये चीज को, इसलिए प्रभु राम को सीता को त्याग करना पड़ा, बोले क्यों, वो मुसलमान लोग कहते हैं इसलिए हम अपना बेटी बहुओं को इसको पढ़ाना चाहते हैं, तुम सती बन करके रहो, लेकिन अगर हमारे जितनी सब शिक्षा सरकार नहीं असत्य बना, पहले सोचते थे कोई चरित्रवान बन करके रहे, लेकिन अभी आपको सब आपको ज्यादा से ज्यादा पता होगा, हर व्यक्ति सोचते हमारे घर बेटी बहुत चरित्रवान बन करके रहे, लेकिन अभी सब चीज खत्म हो रही है। और भगवान राम जब सवेरे उठते थे बोले प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु न महिमाता, पहले भगवान राम उठकर क्या करते थे, पहले पिताजी के चरण छूते थे, माँ के चरण, गुरु जी के चरण छूते थे, है ना। वो कहते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से बच्चों के अंदर में संस्कार पड़ती है, बच्चे सवेरे उठ करके पिता माता गुरु जी के चरण छू, अभी कोई छूता है किसी बच्चे को पूछ लो सवेरे उठ करके पिता माता को चरण छूते, लेकिन आप जितने पुराण लोग देखो पहले उठ करके यही करते थे ना, सवेरे उठ करके पिताजी के चरण छो, माता जी के चरण छो, गुरु जी के उनका आशीर्वाद मिले, है ना। इसलिए वो लोग चाहते हैं भाई भाई में कैसे प्रीति, रामायण ऐसी सारी चीज क्या थी, इसलिए उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या क्यों, जहां पर कभी युद्ध नहीं होता था, अब जहां पर कोई वध नहीं होता था, मरते नहीं, बोल वही तो अयोध्या है जिस घर में रामायण अगर पढ़ लोगे ना, हमारे घर ही अयोध्या और हमारा घर ही अवध हो जाएगा, हमारा घर अयोध्या अवध हमारी घर ही हो जाएगा, अयोध्या और अवध हो जाएगी अगर रामायण को। इसलिए मुसलमान कंट्री के दोस्त हमारे साधुओं को बुला बुला करके रामायण हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अद्भुत शिक्षा है भाई भाइयों में कैसे प्रेम होनी चाहिए। देखो भगवान राम ने, भारत ने सौतली भाई राम है उनके लिए उन्होंने राज्य को ग्रहण नहीं किए, कैसे बच्चा पिताजी के आदेश से कैसे पालन करे, भगवान राम ने कहते ना रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। इसलिए भगवान राम पिताजी की सेवा करने के लिए 14 साल तक वनवास रहे, अभी कोई जाएगा किसी बच्चे को बोलो कोई आदेश पालन करेगा, उनको भारत राज्य देने पर भी नहीं लिए, बोले नहीं हम पिताजी के आदेश को हम पालन करेंगे, पिताजी की प्रतिज्ञा को हम रक्षा करेंगे। मतलब रामायण में ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य शिक्षा है, रामायण में ऐसे अद्भुत अद्भुत शिक्षा है, कैसे घर में प्रीति प्रेम बने रहे है? बच्चे कैसे संस्कार बने रहे है। इसलिए अभी किसको घर में रामायण भागवत नहीं देखते, रामायण भागवत नहीं होगा, अगर होगा ना उसको कुटला बांध करके किसी उसको कहीं ऊपर रखा होगा, उसको कहीं पढ़ते नहीं होंगे रामायण भागवत कोई पढ़ते नहीं होंगे, और घर में देखना जितने गंदी गंदी नाटक नावल सब पढ़ा हुआ, सारी गंदी गंदी पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन हमें कोई गीता भागवत नहीं मिलेगी। देखो आप एक सच घटना बता, आप लोग ध्यान देकर सुने, आप एक सच घटना सुनाता हूँ। कहते एक समय अमेरिका में, अब इस्कॉन का नाम सुनेंगे, वो भगवत गीता जयते आए ना, भगवत गीता बांट रहे थे, देखो हमारे ग्रंथ कितने महान है, वो भगवत गीता ग्रंथ को बांट रहे थे। एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा, उतर करके वो प्राय 8-10 व्यक्ति लाइन करके खड़े थे, भगवत गीता जयते में गीता बांट रहे थे। जब एक व्यक्ति ने भैया गीता ला, बोले नहीं जरूरत है, और थोड़ी देर उधर फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो भाई भगवत गीता, उसने 5-6 जब व्यक्ति क्रस किया, बोले भैया देखा लाइन करके खड़े, जहां जाओ गीता गीता लो, भगवत गीता जयते में गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते, बोले एक ले लो, उसने 2-3 डॉलर देकर भगवत गीता ले ली।
देखो क्या क्या होता है। एक दिन वो व्यक्ति इतने मतलब दुखी दुखी हो गया, इतने डिस्टर्ब सा हो गया, इतने दुखी हो गया, सोचा मैं आज मैं आत्महत्या करूंगा। वो बैठा हुआ आत्महत्या करने के लिए, वो आत्महत्या करने के लिए बैठा हुआ। अभी इतने में वो सामने था ड्रग, वो उसी ड्रग में था उसका बंदूक और उसमें था ये भगवद गीता। उसने जब वो ड्रग ऐसे हाथ डाला ना, वो बंदूक नहीं आ करके वो आ गया भगवद गीता उसको हाथ में। वो तो मरने के लिए बैठा हुआ, वो मरेगा। इतने में वो भगवद गीता को खोला। जब भगवद गीता खोला, वहां पर कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन अगर तुम जीवन में परम शांति अगर परम सुख पाना चाहते हो, बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति। अगर तुम जीवन में परम शांति और सुख पाना चाहते हो, तुम क्या करो, मेरे शरण में तुम आओ, तभी तुमको परम शांति परम सुख प्राप्ति होगी। क्योंकि जो संसार है, कृष्ण स्वयं कहते हैं ये दुख का घर, दुखालयम असार सत्वम, सब अनित्य है, ये संसार नहीं, ये दुख का घर है। और हम क्या चाहते हैं, ये शरीर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि पिंजरा है लेकिन उसके अंदर में तोता है। हम क्या करते, तोते के लिए कोई ध्यान नहीं, ऊपर उसको कैसे कलर करना, हम जिंदगी में कैसे कलर करते हैं, फिर तोता क्या होगा, मर जाएगा। हम भी उसी तरह अंदर में जो तोता बैठा है ना आत्मा, उसी के लिए कुछ खाना नहीं, ये शरीर को कैसे खिलाओगे, ये शरीर को कैसे पिलाओगे, शरीर को कैसे सुखी करोगे, कैसे उसको ब्यूटी पार्लर कैसे सजाओगे, चवनप्राश खाओगे कैसे, उसको लाकर जीव में। अरे उसके अंदर में तोता जो बैठा हुआ उसके लिए ध्यान दे रहे, लेकिन पिंजरा क्यों, वो तोता क्यों, अगर तोता को नहीं देखो तो क्या होगा, पिंजरा को अगर रंग करते रहोगे तो तोता तो मर ही जाएगा। इसलिए हम संसार में केवल यही चीज में लगे हुए, केवल शरीर शरीर को खिलाओ खिलाओ उसके सुखी करो है। जब उन्होंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू की, उसमें कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जो शरीर है, कहते बादशाह से जीर्णा ही जथा विहाय नवाब दीर्घा ने नरो, ये जो शरीर है जैसे एक वस्त्र जब पुरानी हो जाए उसको छोड़ कर हम एक नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह ही जो आत्मा है न जायते न प्रियते मज्जो नित्य शाश्वत एवं पुराण, ये आत्मा शाश्वत है। केवल ये शरीर बदलती कपड़ा है। वो व्यक्ति सुइसाइड क्या करेगा, वो सुइसाइड करने के लिए गया था, वो सुइसाइड क्या करेगा, रात भर ये भगवद गीता को पढ़ा, रात भर उसने भगवद गीता को पढ़ा, पढ़ करके उसको इतने सैटिस्फाई, सारे प्रश्न के उत्तर भगवद गीता में, जो जो उसको मन में जितने शंका थी सारे समाधान उसकी हो गई, और एक दिव्य आनंद उसकी प्राप्त हुई। देखा ये गीता आई कहां से, तो उसमें एड्रेस था, उसने एड्रेस में ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे और ये साधुओं को साथ मिले और सारे क्वेश्चन आंसर की, और इतने प्रसन्न हो गया उसने, सारे घर को छोड़ करके उसने मंदिर में आए और जैसे ऐसे कपड़ा पहने ना, ऐसे कपड़ा पहने, बाद में उन्होंने संन्यास लिया। अब भी वो व्यक्ति है जो संपूर्ण विश्व में ये भगवद गीता को ये प्रचार कर रहा है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था, अगर एक रात ग्रंथों को पढ़ा तो जीवन परिवर्तन हो गया। इतने हमारे ग्रंथ में इतने दिव्य ज्ञान है, लेकिन दुख की बात है हमारे घर में जितने गंदे गंदे नाटक नवेल उल्टा सीधा सब चीज पड़ा होगा, लेकिन ये गीता भागवत में हमारे कोई रुचि नहीं, ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कह रहे हैं, कलि स्वर्ण का दृश्य लोग कह रहे हैं कलि युग है। कलि युग में क्या बोले, मन का सुमंद मत हो, कलि जीव का जो मन है ना केवल मंद नहीं बहुत ही मंद है, केवल गंदी गंदी चीज में जाता है, कोई अच्छी चीज में मन नहीं जाता है। खैर मंद भाग्य जुपद्रुता, कलयुग का जीव का भाग्य भी बड़ा खराब। फिर जुपद्रुता, भले जुपद्रुता मतलब अगर पत्नी कहीं सत्संग में जाती है, अगर कोई भगवान की कथा सुन ली, उसको पता चला भैया जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अगर थोड़ी सी मांस मछली छोड़ दिए, गले में कंठी तिलक धारण, पति बोलेगा किसकी चक्कर में तो पड़ गई, तो किसकी चक्कर में पड़ी, एकदम कंठी माला, अभी से क्या से भजन कर रहे हो, अभी भी कोई भजन करने का उम्र है, अभी कोई
लेकिन बच्चा अगर शराब पीता है स्मोकिंग करता वेरी गुड शराब पी रहा है ना स्मोकिंग करना जुआ खेला वेरी गुड लेकिन तू अगर कंटी दिला भगवान भजन बोले ये कोई उम्र है भजन करने का बोले ये तो एक उम्र है मैं लेकिन शराब पीने का उम्र हो गई शराब पीने का उम्र स्मोकिंग करने का उम्र हो गई लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र है तुम्हारी भजन करने की अगर पति अगर गए सत्संग में गए थोड़ी सी अगर भगवान की भजन पत्नी बोली पहले थोड़ी सी सिनेमा में लेना ले जाते थे घुमाने के लिए अभी तो जब देखो ये गीता भागवत तो माला लेकर बैठ जाते इसलिए यहाँ पर कहते हैं जुबक दुर्दा मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ ना उपद्रव है उपद्रव है लेकिन कोई गंदे काम करने के लिए दुनिया कोई रोकेगा नहीं रोकेगा नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा गंदे काम के लिए सारे रास्ता खाली है उन्होंने स्वर्णकार ऋषियों को उन्होंने सुतो गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न किए आज हम लोग दो प्रश्न सुनेंगे उनका पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिले आत्मा को शांति कैसे मिले क्योंकि जो शांति है कि जगत में सबसे बड़ा अनमोल है शांति लेकिन अगर हमारे पास में बहुत पैसा है लेकिन अगर हमारी शांति नहीं तो पैसा कोई महत्व है वो पैसा ही कोई महत्व है अथा पैसा जिसकी कोई ठिकाना नहीं लेकिन घर में शांति नहीं क्या वो पैसा की कोई महत्व है क्या घर में सुंदरी स्त्री है सुंदरी बच्चे हैं लेकिन वो संसार में शांति नहीं अरे सुंदरी स्त्री बच्चों का क्या महत्व है कोई महत्व है बड़ा नाम तुम्हारी है लेकिन जीवन में शांति नहीं उसका कोई महत्व है अगर सुखी दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना अगर सुखी दो रूट में अगर शांति मिलती है वो सबसे बढ़िया चीज है लेकिन इतने वैभव पत्नी बेटा घर मकान दुकान बहुत कुछ लेकिन शांति नहीं तो वो सब बेकार है उस चीज का कोई महत्व नहीं इसलिए जीवन में सबसे बड़ा जो अनमोल वस्तु है शांति शांति इसलिए इनका यही प्रश्न है जीवन में हमें शांति कैसे मिलेगी शांति हमें कैसे मिलेगी देखना हम सबके सब जीवन में शांति ही बोलते हैं है ना पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं शांति के लिए नौकरी के लिए करते हो शांति के लिए शादी क्यों करते हो शांति के लिए बच्चे को जन्म देते हो शांति के लिए घर मकान क्यों बनाते हो शांति हम जो कुछ करते हैं उसका मूल तो शांति है ना सोते ही है ना और तो कुछ शांति और कोई उपाय ये नहीं शांति के लिए लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना सामने जैसे एक समस्या हम सोचते हैं अगर किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए ना हमको शांति मिलेगी लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना एक समस्या तुम्हारी हल हुई नहीं सामने तीन समस्या फिर हम जी जान लगा देते हैं अगर ये किसी तरह से तीन समस्या को हल कर देना भैया हमें चैन मिलेगा देखना वो तीन समस्या तो हल हुई नहीं सामने 5 समस्या जैसे मकोड़े होते हैं ना जाल बनाते और जाल बनाते 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 ऐसे पूरी तरह से फंसता है और उसी में प्राण को त्याग दे देता है हम भी सारा जीवन शांति ढूंढते 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 हम सारा जीवन लगा देते शांति शांति के लिए लेकिन कहते शायद ये चीज पूरी हो जाए ना शांति मिलेगा जब ऐसे करते करते देखना जीवन पूरा खत्म जीवन पूरा हमारी खत्म हो जाती है इसलिए इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी और जो उनकी दूसरी प्रश्न है बोले कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है कलयुग में ठाकुर जी का सबसे सरल उपाय क्या है भगवत प्राप्ति कैसे करें इसलिए आज हम ये दो प्रश्न का उत्तर सुनेंगे जब उन्होंने ये प्रश्न 6 प्रश्न किए जब उन्होंने ये प्रश्न की तब श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करता हूँ गुरु जी को प्रणाम करके तुम्हारे लिए प्रश्न का उत्तर फिर मैं प्रदान करूंगा इसलिए उन्होंने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं बोले बंदा गुरु पद पदो मां परागा बंदा गुरु पद Oh,
हाँ फिर पूछे कृष्णा बोला बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे Yeah.
चरण में वंदना की है। गुरु जी के चरण की वंदना करते हुए उन्होंने उनके प्रश्न का उत्तर देते, बोले गुरु जी की चरण की उन्होंने क्यों वंदना की है, बोले इनका नाम है गु और रू, बोले गुकार अंधकार का रुकार तस्था, जो हमारी हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जो भगवत का प्रेम रूपी दीप आलोक जो जगा दे, कहती है गुरु है। कहती है भगवत नाम तो फल देता है, किसी तरह से प्रभु का नाम लो, भगवान का नाम तो फल देगा ही, लेकिन हम जब गुरु जी से ग्रहण करते हैं उसमें की विशेष महत्व। एक उदाहरण दिया, जैसे गोली है ना, बंदूक में देकर मारते हैं, अगर गोली को ऐसे लेकर किसको फेंकोगे वो कुछ ना कुछ काम करेगा, लेकिन वही गोली को जो बंदूक के अंदर रखकर मारोगे तो क्या होगा, फिर इस बार से उस बार कर देता है, फिर इस बार से वो उस बार कर देता है। उसी तरह जो भगवत नाम है ये तो कुछ ना कुछ फल देता है, कुछ ना कुछ फल देता है, लेकिन वो फिर क्या देगा, फिर ये दुनियादारी का वस्तु देकर हमें वंचित कर देगा, फिर ये भगवत प्रेम हमें प्रदान नहीं करता है, भगवत प्रेम हमें प्रदान नहीं करता। लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में जब हम किसी सदगुरु को चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, फिर हमें वो भगवान का ठाकुर जी का तक हमें वो पहुंचा देता है। जैसे दुर्गो महाराज पहले भगवान को पाने के लिए व्याकुल तो हो गए, लेकिन लक्ष्मी बोले प्रभु जाकर के दर्शन दो, बोले देखो लक्ष्मी मैं भी बंधा हुआ, बोले किस चीज में, बोले अभी तक उसने कोई सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैं दर्शन नहीं दे सकता हूँ, बोले आप तो इच्छा करने पर हो जाता हूँ। हाँ, फिर उन्होंने नारद जी को बुलाया, अरे नारद जी आए, बड़े ठोक पीट कर उनको परीक्षा ली, बहुत उन्होंने परीक्षा ली, बोले कोई भजने का उपाय है, भैया थोड़ी सी बोलती है, क्रोध से होकर के आ गए, घर में जाओ, अरे पिताजी भैया घर में बोलते हैं, घर में जाओ। तो प्रहलाद ध्रुवो महाराज पूछे आप कौन हो, बोले मैं नारद हूँ, बोले लगता है आप कोई डुप्लीकेट नारद, बोले मैंने सुना नारद सबको प्रभु की भक्ति की शिक्षा प्रदान करते, आप गए हो घर में, अगर आप नारद हो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया ठाकुर मेरे को जल्द जल्द मिल जाएंगे, क्यों, बोले मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया हूँ और नारद जी भगवान के सबसे प्रिय भक्त श्री नारद है, अगर आप जैसे संतों का दर्शन अगर हो गया फिर तो भगवत प्राप्ति में कोई बाकी थोड़ी रह गया। इसलिए श्री हनुमान जी की जब विभीषण को साथ में भेंट होता है, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी राम के सबसे प्यारे भगत है, विभीषण क्या कहता है, बोले आज मैं भाव भरोसा हनुमान का बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं सकता, जो रघुवीर मोय अनुग्रह कनी तो मैं दरस अटली लगता है, मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था जहां पर नरम के राक्षस है उसको बीच में भी प्रभु की सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी की दर्शन मेरे को मिल जाए, मेरे को तो विश्वास आ गया प्रभु मेरे को जल्दी से जल्दी प्रभु हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने श्री गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए उनका प्रश्न का उत्तर कर दिया। पहला प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या था, बोलो जोर से, आत्मा को शांति कैसे मिले। देखो ये जो प्रश्न है ना ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, हम सबके सब जीवन में शांति चाह रहे, शांति चाह रहे, सुख ही चाह रहे, लेकिन वो शांति सुख हाथ में आ ही नहीं जा रहे। इसलिए देखो उन्होंने एक श्लोक में जीव को शांति कैसे मिलेगी, उन्होंने एक श्लोक में उसको उत्तर देते हैं, बोले सबई पुनसांग परो धर्म जत भक्ति रघुसजे आहै तुके अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। अगर आत्मा को शांति पाना चाहते हो बोले क्या करनी चाहिए, बोले सबई पुनसांग परो धर्म जत भक्ति रघुसजे हैं, कहते अगर शांति पाना चाहो तो क्या करो, भगवान को प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, क्योंकि जो जीव है, हम जीव है को तो जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो जीव है हम सबके सब भगवान के अवतार हैं, ठाकुर जी के संतान है,
तथा तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या रघुन तुमेव तुमेव सर्वम्। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जो जीव है ममई वांस, जीव सब मेरे बच्चे हैं, हम सब भगवान का औलाद है, सब ठाकुर जी की संतान है, हैं? इसलिए जब हम ठाकुर जी की संतान हैं फिर हमें क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी को प्रेम करनी चाहिए, ठाकुर जी को भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भगवान को बताए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का कौन है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन स्वरूप है सत चित और आनंद, ये तीन स्वरूप भगवान का। हम उनके बच्चे देखना, हम भी जिंदगी भर एक तीन चित ढूंढते हैं, भगवान सत चित आनंद है, उसकी अंश हमारी अंदर, देखो हम कैसे ढूंढते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान का कोई पिक्चर फटो देखो, जैसे कृष्ण है, कहीं भगवान राम को देखो, देखो उनका उम्र कितने, भगवान राम 11,000 साल तक राजत्व किया, देखना उनका जो उम्र है 14.5 साल से कभी उनको उम्र ज्यादा नहीं, उनको दाढ़ी भी नहीं मोच भी नहीं की है, उनको कभी बूढ़ा स्वरूप नहीं देखोगे। कृष्ण कितना साल तक रहे, बोले 125 साल तक किसी जगत में रहे, लेकिन कृष्ण का कहीं भी आप तस्वीर देखो देखना 14.5 साल से प्रभुता उम्र कभी ज्यादा नहीं होती। राधा जी की सीता जी की 13.5 साल से उनकी उम्र कभी ज्यादा नहीं होती। देखो हम भी यही चाहते हैं, बताओ आप कोई बुढ़ा बुजुर्ग बनना चाहते हो, आप बता दो कोई बुढ़ा, अगर एक बात बच गया ना उखाड़ देते, क्यों उखाड़ दो, बोले बुढ़ा नहीं काम करना चाहते, ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हो, ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हो, चवनप्राश क्यों करती, मतलब जगत में हम कोई ये बुढ़ा बुजुर्ग बनना कोई नहीं चाहते। इसलिए किसी व्यक्ति को भले ही उम्र हो जाए उसका अगर कोई बोल देना बुढ़ा बुढ़ी बोल देना तो गुस्सा हो जाता है, वो भी तो गुस्सा हो जाता है, बोले हम बूढ़े हो गए बुढ़े हो गए। इसलिए हम किसी माता जी को, हमारे ससुर माता जी कहते हैं, किसी माता जी को माता जी कहते हैं बिगड़ गया, बोले मैं माता जी दिख रहा है, माता जी दिख रहे माता जी कह रहे। इसलिए जगत में क्योंकि हम भगवान की संतान है, भगवान नवकिशोर नटवर है, हम भी हर समय यही उम्र में रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान सर भगवान ज्ञान स्वरूप है, ठाकुर जी ज्ञान, बताओ जगत में कोई एक किसी व्यक्ति को बोल दो तुम्हारे दिमाग में सचमुच को दिमाग में, उसको बोल दो दिमाग में वो इतना बिगड़ जाएगा मेरे दिमाग में तेरे दिमाग में, मतलब भगवान ज्ञान स्वरूप है ना। इसलिए हम कोई एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट हम क्यों बनना चाहते, सबके सबसे अच्छी क्वालिटी, क्यों भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है, हम वही आनंद चाहते, हम आनंद चाह रहे। इसलिए हम कौन है, हम भगवान की औलाद है, ठाकुर जी की हम संतान है। लेकिन अभी क्या हुआ जानते हो, हम सबके सब किडनैप हो गए, हम इतने सारे बैठे हैं ना, हम सबके सब किडनैप हुए हो, बोले किडनैप कैसे, एक स्टोरी सुना, हम सबके सब कैसे किडनैप है, एक समय कोई एक राजा था, उसके घर में कोई संतान नहीं था, औलाद नहीं, राजा बड़ा दुखी है, बड़े कष्ट से उसके घर में एक बच्चा जन्म हुआ, लेकिन वो बच्चा जब होश होने से पहले गुंडे बदमाशियों ने उसको किडनैप कर दिया पैसा के लोभ से। राजा की दुख की कोई सीमा नहीं, एक दिन एक साधु उसको घर में आया, बोले महाराज सब कुशल मंगल, बोले क्या कुशल मंगल है, हम इतने दुखी दुख का कोई सीमा नहीं, संतान थी नहीं, ठाकुर इच्छा से एक संतान हुई तो भी किडनैप हो गया, हमारे दुख का कोई सीमा नहीं, राज सिंहासन कौन संभालेगा, राज्य को कौन देगा। लेकिन वो पहुंचा होगा, संत था बड़े सब कुछ जानने वाले, बोले मैं देखता हूँ तेरे बच्चा है कहाँ, तब उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया, बोले तेरे बेटा ठीक ठाक है, बोले अभी जिंदा है, बोले अभी जिंदा भी और ठीक ठाक है, बोले कहाँ पर बताओ अभी मैं ले जाता, बोले देखो एक दिक्कत आ गई, बोले किस चीज की, बोले जब उसको उठा करके ले गए थे गुंडे लोग, ना छोटा बच्चा था उसका होश नहीं था, अभी वो बड़ा हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता माता और जो छोटी सी कुटिया में कह रही यही तेरे घर है, अभी तेरे को भूल गया संपूर्ण रूप में है, भूल करके उसको जो पिता माता नहीं उसको ही पिता माता कहता है, उसका जो घर नहीं उसको ये घर कह रहा, उसको घर कह रहा है, बोले फिर, बोले अगर आप बोलोगे
मैं जाकर तो वो बच्चे को मैं समझा, अगर वो समझ जाएगा असली पिता माता कौन है, फिर उसको ले आ बाबा आपको तो बड़ी कृपा हो। तब वो गया, देखा वो बच्चे को अकेला मिल गया। बोले तेरे घर कहाँ है? वो छोटी सी कुटिया। बोले घर। बोले तेरे पिता माता कौन है? जो गुंडे लोग थे ना। बोले मेरे पिता माता। बोले देखो तेरे को एक रहस्य बात बताता हूँ, ये तेरे घर की नहीं है और ये तेरे मेरे पिता माता भी नहीं। बोले आप क्या कह रहे हो? बचपन से मैं तो यही देख रहा हूँ। बोले इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। बोले देख, ये देश का जो राजा और रानी ये तेरे पिता माता है, जो राज महल है ये तेरे घर है। एक दिन तू ये देश का राजा बनने वाले हो। बोले जब तू छोटा बच्चा था, इन लोगों ने पैसा के लोभ से तेरे को किडनैप किया और तेरे को असली असली परिचय नहीं दे रहे। बोले देख, देखना पिता माता का चेहरा में ना बच्चा का चेहरा मिलता है, अब देखो चेहरा मिलता है। हम लोग कहते ना देखो ये बच्चे में इसका पिताजी का चेहरा आया, ये बच्चे में उसकी माँ की चेहरा है, उसके दांत देखो नाक देखो, उसको बोलते ना उसको चेहरा आता है बच्चे में। कि तू देख तेरे चेहरा कितने लंबे चौड़े गोरे, और जितने पिता माता कह रहे हो देखने में कैसे, देखो कैसे काले भयंकर उनसे बदमाश कैसे तेरे चेहरा में मिलाओ, और तेरे चेहरे को जो राजा को रानी को साथ मिला। लेकिन अभी तक तो उसने कभी सोचा ही नहीं ये बात, लेकिन जब उसने सचमुच से मिलाना लग गया, अब तो सही बता रहे इनको चेहरा में तुम्हारा कोई चेहरा नहीं मिला, मेरे चेहरा तो राजा रानी से मिलता है। ये देश का अखंड राजा बनने वाला तू है, राजा रानी राजमहल तेरे घर है। मेरे घर में जाओगे? बोले अब बड़ी कृपा होगी। फिर उसने राजा को आकर समझाया, अमुक स्थान पर है, तुम सन्यास आमद लेकर जाओ, घेराव करो और जितने गुंडे बदमाश को मार मार कर जेल में बंद करो, और अपना बच्चे को वहां से वापस लाओ। सचमुच से जो बच्चे को वापस लाया ना, हे भगवान ये राजमहल मेरा घर है और एक दिन देश का राजा मैं बनने वाला हूँ, और राजा रानी मेरे पिता माता है, उसको जीवन ही बदलेगा। देखो ये कथा आप हम सबका है, हम सबके सब किडनैप हुए, हम सबके सब, हम सच में से देखो हम सबके सब किडनैप हुए। इसलिए वेद कहता है हम कौन है, वेद कहता है हम अमृतस्य पुत्रा, ये वेद का मंत्र है, हम अमृत के बच्चे हैं, अमृत के बच्चे हमें, अमृत भगवान हमारे पिता माता है। इसलिए कहते तुम्हें वो माता च पिता नहीं हो। लेकिन एक जन्म से नहीं, कितने जन्म सब किडनैप हुए, किडनैप सबके सब हुए। इसलिए हर जन्म में देखना कि नया पिता माता मिलता, लेकिन छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता कि नहीं, हर जन्म में छोड़ गए, फिर दूसरे जन्म फिर नया पिता माता पकड़ते हैं, फिर तीसरे जन्म में फिर नया, कितने जन्म से हम जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, क्योंकि हम सबके सब किडनैप हो गए। असली पिता माता को अभी हम पहचान नहीं पा रहे, असली पिता माता को अभी हम जानते नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर में पकड़ते हैं छोड़ते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते भैया तब तक तो पकड़ोगे छोड़ोगे, गीता का श्लोक है, बोले आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपत्तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, गीता का श्लोक। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर तुम पुण्य कर्म करके अगर ब्रह्मलोक तक अगर तुम चले भी जाओगे, लेकिन यही जन्म मृत्यु का चक्र में भटकते रहोगे, ये जन्म मृत्यु तुम्हारी समाप्त नहीं होगी। बोले कब तक? बोले जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र में तुम भटकते रहोगे, लेकिन जब तुम मेरे पास में आ जाओगे फिर तुम्हारी जन्म मृत्यु दुख भर तुम्हारी संपूर्ण रूप में तुम्हारी समाप्त हो जाएगी है। इसलिए कहते हम लोग कौन है, कहते हम लोग कौन है, बोले अमृतस्य पुत्रा, हम सबके सब भगवान की संतान है। इसलिए यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते हैं अगर तुम जीवन में अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहते हो क्या करो, बोले तमेव शरणं गच्छ, प्रभु की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति करो। लेकिन हम क्या चाहते हैं, भक्ति करें? हम इसलिए कहते हैं ना, हम तो अपना स्वयं बॉलीवुड में अपना बच्चों का हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, भक्ति नहीं, हम बच्चों का हीरो हीरोइन बॉलीवुड में बनाएंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं भैया 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया उसको कोई नाम ले रहा है?
बल्कि अक्सर करके जितने हीरोइन का नाम सुन लो फेमस, सबके सब लास्ट में सुइसाइड डिप्रेशन होकर के सुइसाइड में सबके सब मरे। अब एक भी वो हीरो हीरोइन का नाम ले लो, सब सुइसाइड करके मरे। लेकिन हनुमान जी का नाम लो, तुलसीदास जी का नाम ले लो, प्रहलाद जी का नाम देखो, ध्रुव जी का नाम देखो, मीरा जी का नाम अमर हो गया। जगत में इनकी क्यों पूजा कर रहे? हमारी मैया की मैया का नाम तो दुनिया ले नहीं रहे। बोले क्यों नहीं ले रहे? हमने सब किडनैप हुए, सबके सब हैं, हम किडनैप होकर सब गलत काम कर रहे हैं। असली जो जीव का स्वरूप है, हम भगवान के भक्त हैं, उनकी संतान हैं। इसलिए यहाँ कह रहे, अगर जीवन में तुम शांति सुख पाना चाहो तो क्या करो? भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रेम करो, इसी में ही शांति मिलेगा। बोले भैया हम तो प्रेम करी नहीं भगवान को, एकदम और भक्ति नहीं करता, सब भक्ति करते हैं। प्रश्न है फिर शांति क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं करते, जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं करते चाहिए। हमारी भक्ति कैसे, हमारी भक्ति कैसे करना? जैसे 10 रुपया कोई फूल की माला, 10 डॉलर की, 5 डॉलर की कोई फूल की माला, फल लेकर ठाकुर के चरण में चढ़ाएंगे, नहीं तो शंकर जी के चरण में चढ़ाएंगे। फिर प्रार्थना क्या करेंगे? कम से कम 10 करोड़ डॉलर की प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी इसलिए अब 5 डॉलर की फल फूल चढ़ा रहा हूँ। हमारा घर देखो, सामने वाले घर देखो कितने सुंदर मकान में रहते, अभी हम छोटे मकान में, हमारे सामने वाले कितने बढ़िया गाड़ी में घूमते, अभी हम साधारण गाड़ी में घूम रहे हैं। अभी हमारे, अब देखना कम से कम 10 करोड़ डॉलर की उसमें पर्ची रहे, इसका मतलब है इसलिए आपको 5-10 रुपया चढ़ा रहा हूँ। आप मेरे घर में आओ, बेटा का शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो, अपना मकान बना दो, दुकान गाड़ी खड़ी बना दो, भगवान आगे हमारे घर में नौकर बन जा। ये भक्ति नहीं, ये बिजनेस है, भगवान को अपना नौकर बना रहे हैं, बल्कि ये भक्ति नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद् भक्ति अहितु पितु। महाप्रभु कह रहे, बोले हे प्रभु हमें धन जन पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण में हमें अमृत की भक्ति आपने प्रेम करना। इसलिए भगवान राम जब हनुमान जी से पूछे बेटा चाहिए क्या, देखो अब हनुमान जी से सीख लो। जब हनुमान जी को प्रभु संतुष्ट हो गए, अगर तू नहीं होता है ना, ये सीता का उद्धार करना इतना आसान नहीं था, तेरी कृपा से सीता की उद्धार हुई, आज तेरे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। अब रामायण देखे होंगे, जब श्री हनुमान प्रभु के चरण में सर को नमा दिए और वो कहते बोले बार बार वर मांगो हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हनुमान जी कहते प्रभु आपके चरण में बारंबार एक ही प्रार्थना करता हूँ, आपके चरण की भक्ति अनुपायनी भक्ति आपकी सत्संग। अब रामायण देखे होंगे, जब प्रभु आप हनुमान जी का सर पर जब हाथ रख रहे ना, अब रामायण देखना कैलाश में शंकर जी को दिखाया, कैलाश में शंकर पार्वती बैठे हुए, हनुमान जी को तो शंकर ही हनुमान बनकर आए। जब प्रभु राम सर पर हाथ रख रहे ना, कैलाश में दिखाया, शंकर जी कितने प्रसन्न हो रहे हैं, उनका सर को भी प्रभु राम का हाथ है, कि हनुमान ही शंकर ही है। शंकर जी इतने प्रसन्न हो रहे, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, देखो प्रभु मेरे सर पर हाथ रखे, उन्होंने भक्ति के आशीर्वाद देते, भक्ति की इतने महिमा। अभी हम भक्ति की महिमा नहीं जानते है ना, नहीं जानते, इसलिए हम इधर उधर चीज मांगते। कौन सा चीज जो संसार में बंधा है? बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा हो गया, बाप नहीं सुनता, उल्टा पुलटा, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा या भाई भाई में बोल लड़ाई सुन लगे हैं। अब देखना ये जगत में जितने चीज को मांगोगे ना, केवल बंधन ही बंधन है और कुछ नहीं है, केवल दुख ही दुख है, जगत में सारे दुख ही दुख कारण होता है। लेकिन सुख या भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम से ही सुख मिलता है। अगर प्रेम रूपी धन आ गया ना, कहते सारे धन अपने आप आ गए, सारे धन अपने आप आ गए। देखो अब एक उदाहरण देखा, अब ध्यान देकर सुनो, आपके दो बेटे हैं, अगर दो बेटे हैं, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, एक बेटा कहता है पिताजी तभी तुम्हारी सेवा करूंगा आपका नाम पर जितने प्रॉपर्टी है ना, पहले मेरे नाम पर लिखवा तभी आपका सेवा करूंगा,
एक बेटा कहता है पिताजी आप मेरे पिता हो, हम पर संतान हो, हमारे कर्तव्य आपकी सेवा करना, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी सेवा हमें प्रदान करो। आप बताओ दोनों बच्चे में आप किसको सारे संपर्क करोगे? आप बताओ किसको सारे संपर्क देके दोगे? मारने वाले को देखे ना, जो सेवा करना चाहते उसको दोगे? आप बोलो उसको दोगे? जो मांगता है ना जोर जबरदस्त बोले तेरे कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। लेकिन जो सेवा प्रार्थना के लिए आपको सेवा चाहिए, बोले इसके लिए मैं इतने संपत्ति कमा करके जाऊं, इतने अच्छा बेटा कभी जैसे दुखी नहीं हो, इतने संपत्ति कमा करके जाएगा। सिर्फ उसी तरह जब ठाकुर जी की चरण की हम सेवा करेंगे ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं ठाकुर हमें क्या देने वाले हैं। हनुमान जी क्यों बात, शंकर जी क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रार्थना करते भक्ति? इसलिए कहते भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति में निष्काम होनी चाहिए। अब दूसरा जो उन्होंने उदाहरण दिया है भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले निरंतर जप। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, देखना कि शहद होता है ना, शहद को आप ऐसे डालोगे देखना उसमें धागा बन जाते हैं, शहद को डालो धागा बन जाते हैं। गुरुदेव उदाहरण देते हैं भक्ति हमारी कैसे होनी चाहिए, निरंतर जप, हर समय 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भजन में मन लगनी चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत दिन भर माला लेकर बैठ रहेंगे, आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत दिन भर माला लेकर बैठ रहेंगे, हम बीबी बच्चे हमारे काम धाम करना पड़ता है, सारे काम आप लोग सारा दिन पर। हाँ देखो यहाँ पर कैसे माला लेने का जरूरत नहीं, माला लेने का जरूरत नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो कुछ तुम करते हो, जत करोसी जत स्नासी जत जोहस जदा जत जत तपस सदगुर, जो कुछ करते हो मेरे लिए, खूब पैसा कमाओ, कोई पैसा की जरूरत नहीं है, मनी इज हनी इज हनी कहते ना, मनी पैसा के बगैर कुछ होना, पैसा खूब कमाओ, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो इसका लक्ष्य रखो। पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारे नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी के नारायण की। खूब पैसा कमा, बोले क्यों? ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। रोज रोज घर में पिज्जा पास्ता बनाओ, रोज रोज ढोकला और सांभर और डोसा रोज रोज बनाओ घर में, लेकिन इतने बढ़िया खाना क्यों बना रहे हो? ठाकुर जी को भोग लगे, ठाकुर जी को भोग हो गया, भक्ति हो गई, यही भक्ति। घर को बढ़िया करके साफ सुथरा करो घर को, बोले क्यों? बोले ठाकुर का दरबार, भगवान की ये मंदिर है, अगर कोई गंदा रहेगा तो ठाकुर चलेंगे तो पैर में धूल नहीं लग जाएगी, इसलिए घर को साफ कर दो, रोज बढ़िया बढ़िया नया नया कपड़ा पहनो, बढ़िया शरीर को साफ करो। बोले क्यों? बोले गंदे शरीर से हम ठाकुर का सेवा कैसे कर सकते हैं, शरीर अच्छा रहेगा तो। बस यही भक्ति, भक्ति और कुछ ज्यादा कोई चीज नहीं। मेरे तरफ में देखो भक्ति क्या है, मेरे तरफ में क्या है, उदाहरण दिया जैसे यहाँ पर कोई चीज है जिसको हमने उठा करके यहाँ रखा, यही भक्ति, और भक्ति कुछ नहीं, भक्ति और कोई चीज नहीं। जैसे उठाया यहाँ रख दिया, मतलब क्या, जो कुछ कर रहे हो वही करो, अलग कुछ करने का जरूरत नहीं, लेकिन भगवान के लिए क्या करो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोपयम करम बंधन, अर्जुन जब तुम मेरे को छोड़ कर कोई कर्म करोगे कर्म बंधन में पड़ोगे, जन्म जन्मांतर भटक रहते रहोगे, एक जन्म के दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, हम ये 84 लाख जन्म हम भटकते रहेंगे, ये कर्म बंधन से निकल नहीं सकते। लेकिन कर्म जब भगवान की सेवा में लग जाए वो फिर भक्ति हो जाती है, वो कर्म कर्म नहीं रहता है। जैसे देखो, जैसे कि एक ग्लास पानी है, पानी है एक ग्लास, अगर उसमें थोड़ी सी नींबू डाल दो, थोड़ी मिश्री डाल दो, बताओ ये क्या हो जाएगा? शरबत हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था? पानी था, लेकिन नींबू शरबत डाल दिया, क्या हो गया? वही उसी तरह जब हम भगवान को छोड़ कर कोई काम करते हैं वो कर्म बंधन है, लेकिन जब उसी चीज को भगवान के लिए करते वही भक्ति, वही भक्ति। देखो हमारे जितने भक्त लोग यहाँ पर सारा जन तो पैसा ही कमाते हैं, कितना सुंदर घर बनाया, देखो कितना सुंदर घर बनाया, ठाकुर जी को कहीं स्थापित किया, मंदिर को देखो, सब तो यही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं केवल भगवान, ठीक है ना। इसलिए भक्ति हमारी हाथों में जो कुछ कर ठाकुर की सेवा मान कर करो, और मुंह में क्या करो, भगवान के नाम की बात हो गई। जो दूसरा जो प्रश्न है, भगवान को कलयुग में पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं
बले काली जोग के साधन भजन करने का जरूरत नहीं, बस भगवान को नाम को पकड़ो।
ठीक है ना, एक हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 महाप्रभु दुखी होकर के बात कह रहे हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा, मैंने कितने भगवान का नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने कितने ठाकुर जी का नाम है, सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान ने कलयुग में सारे शक्ति उन्होंने नाम में दे दिया। इसने बिरा कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला है परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान से भी बढ़ कर उनका नाम। तीसरा नियमित स्मरण है, मैंने ये नहीं बताया जब तुम लोग पवित्र हो तभी मेरे नाम को लोग अपवित्र होकर के नहीं ले सकते, मैंने ये भी नहीं बताया, किसी अवस्था में तुम भगवान के नाम को ले सकते हो। अजाम किसी अवस्था में लिया, टाटी पेशाब कर रहा था जब मैं तुमको लेकर के, टाटी पेशाब कर रहा था तभी उन्होंने नाम लिया, बोले किसको बुलाया, बोले भगवान को नहीं अपना बेटे को बुलाया, बोले किस रूप में, बोले चित्कार करते हुए बुलाया, चित्कार करते हुए प्रस्तुति क्या था, बोले बुद्धि भयभीत होकर के जम भूतों से, लेकिन भगवान के नाम इतने शक्ति है, इतने शक्ति भगवान के नाम में बेटे के लिए बुलाया, वैकुंठ दूत आ गया, जम भूत को मार मार कर भगा दिया, उनको रक्षा कर लिया, मतलब भगवान के नाम किसी तरह से कर कल्याण करने वाले। देखो ध्यान देने सुनो, महापुरुष दुखी होकर कह रहे बोले मैंने इतने सुजग दे दिया, कोई पावत नहीं रहेगा तब भी कलयुगा जी मेरे नाम में भले बैठ कर इधर उधर कप्पे मार लेगी, इधर उधर के बुरी चर्चा निंदा चुगली कर लेगा, लेकिन बोले तो भैया थोड़ी बैठ करके एक माला तो कर करो, एक माला तो प्रभु के लिए एक से माला लो भगवान, तब भी इतने कलयुगा जी इतना अनर्थ पापी है उसका मुंह में भगवान नाम नहीं निकलेगा, सारा दुनिया की बात को मेरे तरीके से टट 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 करते रहेगा। इसलिए भागवत ने बताया जो जीवा में प्रभु का नाम नहीं लेते हैं ना वो मेढक का जीवा, बोले क्यों, आप देखना बरसात का समय पर मेढक ट्रैक्टर ट्रैक्टर करना इसका काल होता है, सब सांप देखता है अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मैं आहार भुला रहे वो धीरे 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 आकर के मेढक को बाहर निकल जाते हैं। इसलिए भागवत ने बताया अगर हम भगवान के नाम नहीं लेंगे इधर उधर की ट्रैक्टर ट्रैक्टर करते रहोगे एक दिन काल आकर तुम्हें ग्रास कर लेगा, काल आकर तुमको निकल लेगा तेरे को, इसलिए इधर उधर की बात नहीं करी, क्या कर भगवान की नाम जप कर जिसने शांति और जिसने सुख हमें प्राप्त हो, ठीक है ना। देखो जैसे हम क्यों नहीं, जैसे ये लाइट जल रही है ध्यान चलाते हैं सारे इलेक्ट्रिक का सारे चीज, इसका बिल भरते कि नहीं बताओ, अगर दो चार महीना अगर इसको बिल मत भर क्या होगा बताओ, क्या होगा, लाइट काट देगा ना, लेकिन जिसने दीन में इतना बड़ा लाइट दिया रहे उसका क्या बिल भर दे, जिसने ये हवा पानी दे रहे, अगर पांच मिनट हवा बंद कर देना हमारा हवा भी बंद हो जाएगी हमारी हवा भी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर कोई समय कोई $10 अगर कभी दिया हुआ चिंता भर के लिए याद रखो भैया हमने $10 दिया था, लेकिन जिसने सब कुछ दे रहे उसके लिए तुम क्या कर रहे हो। इसलिए गोस्वामी श्री हमारे सूरदास जी कहते हैं चीनी तनु दही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी, वो कहते तुम नमक हराम हो, जिसने सब कुछ दिया है, जिसने सब कुछ दिया उसके तुम कुछ नहीं करते, इसलिए क्या करने चाहिए सवेरे बैठ कर भगवान की थोड़ा समय दो, बैठ करके कम से कम 10-20 मिनट उनके लिए तो दो थोड़ी सी, ठीक है ना। अब लोग तो भारतीय लोग अब तो विधय आ गए, अब इतना भारत में जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप सुने हो क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं बोलो राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो बच्चे है, सब कोई बात ये बोलते हैं ना बेटा जितने तुमने प्रभु का नाम लिए हो तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है तुमने झूठे में अपना जीवन बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही, पत्नी रो रो कर दरवाजा पर चलेगी, परिवार चलेगा शमशान पर, इसको आगे तेरे साथ में कुछ जाने वाला नहीं, इसलिए बिरा जीते पायो जी मैंने क्या कहते चाहिए कम से कम सवेरे बैठ करके भगवान जी का नाम जप करो, गीता सुना पढ़ो, रामायण पढ़ो, ठाकुर आरती पूजा करो, ठीक है ना सबके सब, ये हमारे भक्त लोग तो करते हो, और जो लोग करते नहीं सबके सब भगवान की नाम जप करना, ठीक है ना खत्म कर देते हाँ ठीक है। और देखो जो लोग कुछ नए लोग देखते हैं, नए नए लोग हाँ जिनके पास में बाला नहीं है, देखो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, एक दिन चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपकी भोजन है, महाप्रभु एक अच्छी शिक्षा देने के लिए कहा देखो मैं सबको घर में खाना नहीं खाता, बोले प्रभु आप किसको घर में खाना खाओगे, बोले जो लखपति बनेगा, और आज से 5.5 साल पहले लखपति उसी समय था 1,00,000 स्वर्ण मोहर, उस समय 5.5 साल पहले एक सोने की मोहर 1-1 रुपया होता था, बोले उसको घर में खाना खाएंगे जिसको पास में 1,00,000 स्वर्ण मोहर, भक्त लोग तो दुखी तो क्यों, बोले प्रभु आप लाख की बात करे हमारे पास में 100 रुपया भी, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण भर, इसका मतलब कि हमारे घर में खाना नहीं खाओगे आप लोग, भगवान से रुकिया गए थे, बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले कौन है, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी नाम जप करते हैं, जो भगवान की इसलिए गिरा कहते हैं ले करे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे बोती मैं पिछड़ा हूँ गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे बसो माला माल हुए, और माया की जो गंगाल हुए। अब मेरे तरफ में देखो कुछ दिन पहले अब हमारे भारत में आता था करोड़पति कौन बना, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन नाम सुना बोलते थे करोड़पति कौन बनेगा, यहाँ पर भगवान कहते लखपति कौन बनोगे, अब देख लो अब लखपति कैसे बनोगे, जैसे इसमें 108 इसमें मोती है, इसमें 108 मोती, जैसे ये माला को हम जब करते हैं देख लो ये अंगुलों को हम टच नहीं कराते हैं क्योंकि गर्दा अंग सबसे पहले ये निकलता है, कृपया हम देख लेंगे इसलिए ये अंगुलों को हम बाहर निकाल कर रखते हैं, ये बीच वाले अंगुलों के ऊपर में माला रख करके जैसे हरे कृष्ण अब सब मेरे साथ में बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राम राम बोल कर हम एक मोती सरकार देखो 1,00,000 ऐसे होता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम 16 बार हो गया ये 16 बार हो गया, इसमें 108 होती है, अगर उसको पूरा यहाँ से करते करते जब यहाँ खत्म करते हैं तो 1 राम हो जाता है, अगर उसको फेर करो अगर ऐसे 16 माला अगर कर लिया तो हिसाब से होता है 25,000, अगर हमने 64 माला कर लिया हो जाता है 1,00,000, ये भगवान स्वयं कहते हैं, बोले तुमने 1,00,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में तुम्हारे 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो, ये भगवान स्वयं कहते हैं, कुछ ब्याज मिलनी चाहिए इंटरेस्ट बोले इंटरेस्ट कितना मिलेगी, इसलिए मीरा कहती है बोले दीन बड़ा दबायो पायो जी मैंने राम आज अगर 1,00,000 नाम किया ना कल तुमको 25,000 रुपया मिलेगी, 2,00,000 डॉलर हो गया, 4 दिन में डबल, लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे माने इसी जगत का पैसा कमाते 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 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास में आ जाए, आज हम 100 करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक, बोले तुम्हारे शरीर बदल जाए चोला बदल जाए शरीर छूट जाए बताओ यहाँ से कितना पैसा निकलेगा, 1 पैसा जाएगी यहाँ से, शरीर छूट गया तो 1 पैसा जाएगी, यहाँ से खाली हाथ से जाना पड़ेगा तुम कंगाल बन करके, 1 पैसा भी यहाँ से छू नहीं सकते, लेकिन ये ऐसे के धन है
जिसको पत्नी कमाएगी ना, जिसको पति नहीं ले सकते, जिसको पिता माता कमाएंगे, जिसको बच्चे नहीं ले सकते, जिसको बच्चे कमाएगा जिसको पिता माता नहीं ले सकते हैं, जो कमाएगा इस जीवन में 20 की आप मालिक बने, अगले जीवन में तो दीन दीन बड़क सवाय, ये प्याज समेत अगले जीवन में प्याज समेत, ये ऐसे कहता है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब हरिनाम करना। और एक प्रार्थना है, देखो यहाँ पर हमारे कुछ भक्त लोग जो जुड़े हुए, प्रकाश प्रभु जी और ये प्रभु जी सब भक्त लोग, ये सब के सब बीच बीच में जब भक्त लोग आते ना सत्संग होता है हर सैटरडे ना संडे में, सैटरडे को ये सत्संग होता है, ये लोग जब कोई भारत से कोई भक्त लोग आते हैं वो लोग कहते हैं कि सबके सब बैठे करके कीर्तन करते हैं, फिर उसमें कुछ भक्त लोग अपना आपस आपस में हरी चर्चा करते हैं। इसलिए आप लोग जो कुछ नए यहाँ परिवार आए हैं आप लोग कोशिश करना जैसे आने, ठीक है ना, क्यों कहते हैं ना बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा न सुलभ है। जिस कथा भी सुने आपका मन में जगह होगा नहीं आज हम माला करेंगे, लेकिन जब गेट से बाहर जाओगे ना ये पल्लू कैसे झाड़ के चले जाए। अरे बाबा को बोलना था बोल दिया छोड़ो, हृदय में काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक पौधा लगा अगर उसमें पानी नहीं दोगे गांपला में वो कब तक जिंदा रहेंगे, फिर तो मुरझा जाते हैं। ये सत्संग नहीं इसमें पानी देना, सत्संग और पानी जब आप लोग मिलते रहोगे जुड़ते रहोगे क्या होगा है आपके अंदर भावना बनी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए फिर आपका बच्चों का अंदर में अच्छी संस्कार आएगी, बच्चे भी अच्छे बनेंगे, बच्चे भी उल्टा सीधा रास्ता में नहीं जाएंगे, पिता माता को आदर करेंगे, पिता माता के आदर से पालना करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, क्यों संस्कार बन जाएगा। अगर साधु सब छूट जाएगी फिर तो सब ही छूट जाएगा, सबके सब छूट जाते, ठीक है। इसलिए जो कुछ नए जो भक्त आए हैं आप लोग सबका एड्रेस ले लीजिएगा, ठीक है ना, जिनको सबके सब बुलाते रहे ना ये आते रहेंगे। हाँ अगर आप चाहोगे जो कुछ नए भक्त यहाँ आए, अगर आप चाहोगे हम माला जब करेंगे फिर कथा के बाद में आप मेरे से एक दिन माला लेकर जाए, ठीक है। आपको जो माला दूंगा अभी आपको नीम की माला दूंगा जब करने के लिए, लेकिन जब पूरा पूरा फिंगर वेजिटेरियन बन जाते हैं ना, कोई माछ मछली तक नहीं खाते प्याज लहसुन तक, फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं, गले में तुलसी माला पहनते हैं, फिर तुलसी माला में जप करते हैं। लेकिन पहले धीरे 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 हम नीम माला है इसको करते रहेंगे और कोशिश करते रहेगा धीरे धीरे, जैसे अगर कोई गंदी चीज है मांस मछली हम खाते हैं उल्टा पुलटा पीते हैं, कोशिश करिएगा धीरे 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 जैसे ये कम हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम लेने से अपने आप ये सब चीज छूट जाते हैं, अपने आप गंदी चीज अपने आप छूट जाएगी, आपको छोड़ने का जरूरत नहीं, भगवान का नाम जब करेंगे तो अपने आप छूट जाएगी। फिर तुलसी माला लेकर के भजन करना, ठीक है। जिनकी इच्छा होगी सबके सब लास्ट में एक माला लेकर जाना, ठीक है। हरे कृष्ण, कल कहाँ पर प्रोग्राम है? हरे कृष्ण, कल सुबह 9 बजे कृष्ण प्रभु के घर पे विनम में महाराष्ट्री वहाँ यज्ञ करेंगे, वैष्णव यज्ञ, और फिर उसके बाद थोड़ी हरी कथा होगी और प्रसाद महाप्रसाद रहेगा। और कल शाम को वो प्रोग्राम के बाद आप ले सकते हैं, मतलब जोर से विनम में है, 73 और कल शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक 2 घंटे हम कीर्तन का प्रोग्राम रखा है हमने, सनी बैंक में लेडी ऑफ द लॉर्ड्स स्कूल है, उसके जो स्कूल हॉल है उसमें, तो उसका एड्रेस भी आप हमसे ले सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे कीर्तन होगा, प्रभु जी यहाँ गौरव प्रभु है और सब कीर्तनियज है, वो लोग सिर्फ कीर्तन ही करेंगे, 2 घंटे पूरा कीर्तन का सॉलिड प्रोग्राम है, उसमें नाचना गाना जो करना है उस 2 घंटे में, और सिर्फ समय से 7:30 बजे ख़त्म करके महाप्रसाद लेके आप घर जा सकते हैं। तो कल 5:30 बजे कल ये पहला प्रोग्राम है हमारा कीर्तन का, तो आप सब जुड़ रहिए। कल अपने घर में हवन है, ये जो हवन है ना ये साधारण हवन नहीं है, जो साधारण पंडित लोग करते हैं ये भक्ति युक्त हवन है। सारे भागवत में जितने भक्तों का नाम को दे दे करके उनकी हवन होता है, जैसे इसको कभी ग्रह उल्टा पुलटा होता है ना, काल सब्र जो इसको शनि की ग्रह उल्टा पुलटा होता है, लेकिन वो यज्ञ में बैठने पर आहुति देने पर वो सारे जो ग्रह उल्टा पुलटा है सब खत्म हो जाते हैं,
सारे उल्टा पुलटा जो दुख कष्ट हो सारे खत्म हो जाते हैं और भगवान की भक्ति और भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो जग जग अलग तरह का देखते हैं ये वैष्णव भोग है, ये साधारण जगत का ही भोग है। हरे कृष्ण। अब सबके सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु जी सबको नचाएंगे, सबके सब सब माता जी आज आरती करा जाते हरे बोल हरे कृष्णा।